मकर সংক্রান্তির দিনে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হলো এক ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। রবিবার আসানসোল সৃষ্টিনগরের সেন্ট্রাম মল থেকে এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই দিন 2, 5 ও 10 কিলোমিটারের ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় হয়। মহিলা পুরুষ ও বয়স্করাও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। কেনিয়া ও নাইজেরিয়া প্রতিযোগিতা এসেছিল। ওডিসি ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। যদিও উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে এটি ম্যারাথনের বদলে প্রাণথম নাম দেওয়া হয়েছে। শরীর সুস্থ থাকার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। এমনকি এই প্রতিযোগিতায় ভালো সাড়াও মিলেছে। আসানসোল থেকে কাজল মিত্রের রিপোর্ট, সমাজিত ঐশী। बहुत ही एनर्जेटिक प्रोग्राम हुआ है और जागरूकता भरा है शहर में। कहूँगी ऐसे प्रोग्राम मैराथन प्रोग्राम होने चाहिए। आज मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया पर बहुत अच्छा लगा। और जब पता चला था टिंकू कपूर सर से कि ये हो रहा है तो हमने तो अपनी तरफ से अपनी सर्किल में सब तरफ इसका प्रचार प्रसार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और एनर्जी लें। हाँ बिल्कुल, महिलाओं ने और पुरुषों ने सबने बराबर में भागीदारी ली है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सीनियर सिटीजन्स भी यहाँ आए हैं। देखकर सबकी एनर्जी वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल, मैं तो कहूँगी समय समय पर होते ही रहना चाहिए। मैराथन तो एक होनी चाहिए, सबको अपनी एनर्जी का एक ज्ञान मिलता है। आपकी एक संस्था से जुड़ी हुई है, क्या इस तरह? मैं आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल, इच्छा तो हो रही है, ऐसा देख करके जरूर होना चाहिए, अगर संभव हुआ तो जरूर। का ख्याल रखना चाहिए, जो अगर खाली थोड़ा सा भी अगर अपना हेल्थ का ख्याल रखें तो वो हम उनका जीवन स्वस्थ रह सकता है। तो ये चीज़ हम लोग प्रोपेगेट करने के लिए कि हम लोग को अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। प्लस हम लोग प्राणिक हीलर्स हैं, तो प्राणिक हीलर्स हैं तो हम लोग थोड़ा सा प्राणिक हीलिंग को उसका अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए हम लोग ने किया। ये आज कलकत्ते में भी हो रहा है, कलकत्ते में भी हमारा जैसे ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, आज कलकत्ते में भी आज ही का दिन हो रहा है और यहाँ आसनसोल में हो रहा है। तो ये हम लोग का वैसे है मैराथन 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का, पर हम लोगों ने इसको इसलिए प्राणाथॉन बोला है क्योंकि हम लोग अपना प्राणिक हीलिंग को भी इसका अवेयरनेस थोड़ा स्प्रेड करना चाहते हैं। बट पूरा मैराथन के हिसाब से हम लोग रूल रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो और आप देख रहे हैं कि लोग इतना उत्सुक हैं, बाहर बाहर से लोग आए हैं, एक नाइजीरिया से, कीनिया से भी एक पार्टिसिपेंट है, तो उत्साह तो है और अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतना यहाँ पे सुबह का टाइम इतने लोग आके जुड़े हैं, दौड़ रहे हैं। हमारे आसनसोल के अच्छे लोग भी जो रोटरी के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, फिर आपका तो VIPs जो हैं, प्रिंसिपल हैं हमारे जो सेंट पैट्रिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो लोग भी आए हुए हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक है ना कि जो आसनसोल के अच्छे लोग भी पार्टिसिपेट करें तो दूसरे लोग भी और मोटिवेट होते हैं कि भाई हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ, इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी अपना ख्याल रखो, तीनों अगर आप ध्यान देने से आपका जीवन बहुत स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग जो प्राणिक हीलर जो हम लोग आपका इमोशनल और मेंटल हेल्थ को देखते हैं, डॉक्टर्स जो हैं फिजिकल हेल्थ को देखते हैं। जैसे आप अभी हम लोग भी अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो हमारा इमोशनल मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा। अगर हमारा इमोशनल मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा पर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो फिर भी हम ठीक नहीं हैं। तो पूरा कंबाइन करके हम लोग चाह रहे हैं कि लोग करें और अपना जीवन को अच्छा रखें। अच्छा देखा, ये जो मैराथन है ये हमारा एक प्राणिक हीलिंग सेंटर आसनसोल जो है, जो कि आसनसोल में प्राणिक हीलिंग का कोर्स करवाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं सबको, तो उनके साथ मिलकर किया गया है, इसीलिए इस मैराथन का नाम हमने प्राणाथन रखा हुआ है। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये थोड़ा शहर में लोगों में जागरूकता भी पैदा करती हैं, प्लस एक थोड़ा युवा और बाकी लोगों को सबको कनेक्ट करने का एक माध्यम भी अच्छा खासा। तो ये जो है कितना इसमें लगभग सर 150 लोग पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें तीन ग्रुप हैं, एक 10 किलोमीटर्स की रेस का है, 5 किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर्स। कितने महिला, कितने महिलाओं का भी अच्छा खासा ये इसमें है, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 25% लेडीज़ थी इसके अंदर में और बाकी सब मेल्स थे और काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए हैं इसमें, रनर्स भी आए हुए हैं, एक कीनिया से भी आए हुए हैं कोई यहाँ पे एक जो कि पार्टिसिपेट करने आए हमारे साथ, प्लस दूर दूर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस मैराथन में हिस्सा लिया है। देखा जाए
सीनियर सिटीजन ज़्यादातर हमारे रेजिडेंट्स ही हैं यहाँ के, जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सब एक्टिविटीज़ में। यहाँ सृष्टि नगर में रहने के निवासी हैं वो सब पूरे। क्या इम्पैक्ट होगा ये जो मैराथन की है? ये हेल्थ के लिए अवेयरनेस है सर, एक तरह से लोग थोड़ा जागरूक ना है अपना। कंपटीशन सम नॉट सो मच कॉम्पिटिटिव, बट होप नेक्स्ट टाइम द ऑर्गेनाइजर्स विल डू अ मच मोर बिगर रेस, एंड होप नेक्स्ट ईयर वी हैव मोर बिगर रेस। Yeah, I'm so grateful and I'm so delighted to have competed with the local guys. Yeah, they are so good, and hope next time they keep on training and we'll have a more stiffer competition. Yeah, the feeling is so good and I'm enjoying this place. Where are you from? Yeah, I'm from Kenya and just stay in Raniganj, and I'm so grateful to be in Asansol today morning. I actually came to India for some competition, a series of road races, and I'll be going back to my country next month.